हेलो एवरीवन एंड कार्स रिव्यू की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। भाई सेम डे पे अपना शूट कर रहे हैं तो बहुत से बंदे जो बोलते हैं भाई कि भाई ड्राइव इंप्रेशन भी लेकर आया करो। भाई वो मेरा मतलब ऐसा इंटेंशन रहता नहीं है किसी गाड़ी को लेके, बट फिर भी आज गाड़ी हाथ में आई तो भाई इसका दिखा देता हूँ। तो ऐसी कुछ आपको चाबी मिलती है, वैसे इसमें अपना फिजिकल की भी आपको मिल जाती है, पर इसे आप यूज़ करें करें ना करें इमरजेंसी टाइम के लिए, इसमें आती है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, तो इसे आप साइड में रख सकते हो। और यहाँ से एक बटन दबाते ही ये यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ी सी जब स्टार्ट होती है तो थोड़ी सी वाइब्रेशन आती है इन चीज़ों में, बाकी चकाचक चलती है। फिर चलने के बाद केबिन में नॉइज़ तक की भी नहीं पता चलती है। और इसमें सामने आ जाता है ये कि एक अच्छी चीज़ है इसके अंदर, जैसे आप गाड़ी जब स्टार्ट करते हो ना तो इसके अंदर ये देखो अभी बता देगा कि स्टेयरिंग किस तरफ मुड़ा हुआ है, तो ये एक अच्छा सेफ्टी फीचर है। जैसे अब मैं इसे ऐसे कर देता हूँ तो सामने यहाँ दिख गया कि भाई स्टेयरिंग अपना स्ट्रेट है। तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। ऐसा कुछ 6 स्पीड का गेयर बॉक्स इसके अंदर आता है, तो अपना पहला गेयर डाला यहाँ से और यहाँ से एंड ब्रेक को नीचे कर लेते हैं भाई। तो ये निकाला, तो भाई आप सामने जो देख सकते हो एकदम क्लीन रोड। तो भाई इजीली 4000 RPM तक ये चली जाती है पहले गियर में अगर आप शिफ्ट करना चाहो इसे। मतलब इंजन तो पंची है भाई गाड़ी का, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी भी गियर में अगर दूसरे तीसरे में भी वैसे बिठाने की कोशिश करते हो तो उतने ही पंच के साथ अपना थ्रो मिलता है आपको। स्टीयरिंग कंट्रोल और स्टीयरिंग फीडबैक की बात करें तो भाई इतनी गजब की चलती है ना, मतलब फील ही अलग है गाड़ी की जो बात है। मतलब दूसरे तीसरे गियर में भी आगे चल रही है भाई, मतलब पंजा दबाते ही बस गाड़ी कह रही है भगाओ। अभी मैंने चेंज कर ली सीट, तो एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहता था इसमें। तो एक चीज़ इसमें इतनी अच्छी है भाई, इतनी तगड़ी हैंडलिंग है गाड़ी की। जैसे दिल्ली वगैरह शहर में अगर आप लेके जाते हो तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रहता है तो बंदे बोर हो जाते हैं, बहुत डर सा लगता है चलाने में कि टच ना हो जाए। इतनी अच्छी कमांडिंग पोजिशन पर, इतना अच्छा स्टेयरिंग फीडबैक है, लाजवाब। मतलब कि लगता नहीं है अभी मैंने पहली बार ही कोई ऐसे मतलब SUV सेगमेंट में चलाई है, और इतनी प्योर चलती है, इतनी मक्खन चलती है गाड़ी, बहुत लाजवाब। तो ये एक क्लिप मैं ऐड करना चाहता था, बताना चाहता था भाई बहुत से बंदे अगर ये पूछना चाहेंगे भाई शहर में क्या हिसाब किताब रहता है, बहुत मक्खन चलती है भाई। टर्बो लैग तो है ही नहीं गाड़ी के अंदर, दबती तो है ही नहीं, दूसरे तीसरे गियर में भी हवा से बात करती है। तो यही था, आगे कंटिन्यू करो वीडियो। और भाई गाड़ी के गियर शिफ्ट्स की बात करूँ तो जैसे हुंडई जानी जाती है अपनी गियर शिफ्ट्स के लिए, मतलब इतने स्मूथ गियर बॉक्स बनाती है हुंडई, मतलब बनाती या फिर आते हैं हुंडई की कार्स में, तो इतने स्मूथ गियर हैं भाई इसके, बस आपको देखने की जरूरत नहीं है, इतनी जल्दी यूज टू हो जाओगे आप इसके साथ। और ये छोटे मोटे हेडल्स की तो इसमें पता भी नहीं चलती है, बिल्कुल ऐसी ही। और ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छी है गाड़ी की, और सामने आप देख सकते हो बारिश ही बारिश हुई पड़ी है। अभी गियर शिफ्ट की बात मैं कर रहा था तो भाई इतने इजी गियर शिफ्ट हो जाते हैं, पता तक नहीं चलती है, इतनी जल्दी यूज टू होने वाली बात है इस गाड़ी के साथ। तो मतलब बस क्लिच से पैर हटाने की देर है, गाड़ी बिना एक्सलेटर दिए ही मतलब पूरा पिकअप सा खींचती है एकदम से। तो भाई पहली ड्राइव इंप्रेशन वीडियो बना रहा हूँ मैं, अगर कुछ मिस्टेक हो जाए ना तो उसे इतना माइंड मत करना, कभी ये बोलो भाई ये चीज़ नहीं बताई वो चीज़ नहीं बताई। मैं खुद मतलब कैमरे के साथ गाड़ी चलाना थोड़ा डिफ़िकल्ट सा काम रहता ही है, बट यहाँ सामने खाली रोड है इसलिए बना भी रहा हूँ। और कंट्रोल्स की बात करें तो भाई स्टेयरिंग पर अपना सारे कंट्रोल्स आपको मिलते हैं, क्रूज़ कंट्रोल यहाँ मिल जाता है, अपने मीडिया कंट्रोल्स यहाँ पर मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक रेंज सेंसिंग वाइपर्स इसमें आ जाते हैं, मतलब टोटली सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो वही वाली बात जो मैं आपको बता रहा था कि भाई जैसे आप क्रेटा वगैरह एक साइड जाते हो, क्रेटा सेल्टॉस इनका बेस वेरियंट लेने प्रेफर करते हो, तो मेरे हिसाब से तो भाई आप इसके टॉप मॉडल तरफ चले जाओ तो शायद मेरे हिसाब से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा, क्योंकि इतना पंच इंजन आपको मिल जाता है और स्पेस वाइज भी कोई कमी नहीं है भाई। ऐसा तो है नहीं कि भाई वो गाड़ियाँ अपना 7 सीटर है वो भी 5 सीटर ही है और ये भी 5 सीटर ही है।
सामने जब आप गियर शिफ्ट करते हो तो यहाँ पर अपना दिखता भी रहता है कि कौन से गियर में लगी हुई है गाड़ी फिलहाल। और ये भी एक सही चीज़ है, मतलब सेफ्टी वाइज भी पूरा ध्यान दिया गया है इसमें, फीचर्स वाइज पूरा टोटली, जैसे कि 5-स्टार रेटिंग के साथ भी आती है। तो और अभी आपको इंजन के बारे में मैं बता रहा था, तो भाई ये चीज़ थी कि ऐसा नहीं है कि जल्दी गियर शिफ्ट होते हैं, अभी मैं स्मूथ चला रहा हूँ तो स्मूथ ऐसे ही है, बाकी आप इसे पूरा खींच सकते हो 4000-5000 RPM तक, और पूरा मतलब गाड़ी ऐसा ही लगती है कि हाँ भाई कि जोर मान रही है, फिर ऐसे आपको लगे कि भाई जल्दी से गियर डाउन करो या फिर शिफ्ट करो, ऐसा कुछ नहीं होता है, इतने तगड़े तरीके से उठती है। और अभी अपना हाईवे पे आ चुके हैं, तो भाई वीडियो में अगर कुछ अच्छा लगा हो पावर वगैरह भाई जैसे भी, तो भाई लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी हाईवे पे आ गए तो मैं ये चीज़ दोनों एक साथ नहीं कर सकता हूँ। तो फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, बाय बाय। और अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर कोई चीज़ रहेगी हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हो, और जीमेल आईडी मैंने दी हुई है, अगर आप भी अपना कोई ओनर रिव्यू देना चाहो भाई जैसा भी, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं अपने आप कॉन्टैक्ट कर लूँगा आपसे मेल के थ्रू। बाकी मिलते हैं फिर ऐसे किसी वीडियो में, बाय बाय।